1 जुलाई 2019 से गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर दिया कि FSSI लाइसेंस है तो मतलब खाने पीने की स्वच्छता की पूरी गारंटी है। अगर FSSI लाइसेंस नहीं है, जो लोग खाने पीने से रिलेटेड बिजनेस करते हैं अगर उनके पास FSSI लाइसेंस नहीं है तो उन्हें पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है और जेल का प्रावधान भी है, या दोनों भी हो सकते हैं। ये मैसेज सभी लोगों के लिए है जो खाने पीने से रिलेटेड चीजों को खरीदते हैं। अगर हेल्थी लाइफ चाहिए तो खाने पीने की चीजें सिर्फ FSSI लाइसेंस वालों से ही खरीदें। जो लोग FSSI में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को एंड तक देखें और समझे पूरी प्रक्रिया किसके लिए एलिजिबिलिटी है FSSI लाइसेंस की और किन लोगों को लेना चाहिए, किन्हें नहीं लेना चाहिए और कौन इन सभी पेनल्टियों से बच सकते हैं। स्वागत है दोस्तों, मैं नरेश कुमार, आप देख रहे अकाउंट टैक्स देश का चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहां बात करते हैं कंपनीज के अकाउंट्स एंड टैक्सेशन कार्यप्रणाली सिस्टम के बारे में बड़ी आसान भाषा में। FSSI के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी हमारी कोई नई अपडेट्स आए, नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले। FSSI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कुछ लोग इसे फसाई लाइसेंस के नाम से भी जानते हैं। हमारे सब्सक्राइबर लिखते हैं कि FSSI लाइसेंस क्या होता है, सर इसके बारे में कुछ बताइए। एक्ट 2006 के तहत एक स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने FSSI लाइसेंस की शुरुआत की और इस अथॉरिटी को FSSAI के नाम से भी जाना जाने लगा। अब बात करते हैं लाइसेंस की। FBO फूड बिजनेस ऑपरेटर, ये जो लाइसेंस है ये टर्नओवर बेस्ड लाइसेंस होता है। जो लोग खाने पीने से रिलेटेड चीजों का बिजनेस करते हैं उन लोगों की जो लिमिट है इस लाइसेंस को लेने की वो ध्यान से, जिन लोगों का, जिन बिजनेसमैनों का टर्नओवर 12 लाख तक है उन्हें सिंपल रजिस्ट्रेशन करवाना है और जिन बिजनेसमैन का टर्नओवर 12 करोड़ से ऊपर है और 20 करोड़ तक है उन्हें स्टेट लाइसेंस की जरूरत है और जिन लोगों का टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर है उन्हें सेंट्रल लाइसेंस लेना होगा। तो ये 3 तरह के लाइसेंस होते हैं। एक सिंपल रजिस्ट्रेशन होता है 12 लाख तक और 12 लाख से लेकर 20 करोड़ तक उन्हें ट्रेड लाइसेंस की जरूरत पड़ती है और जिन लोगों का टर्नओवर, जिन बिजनेसमैन का टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर है उन्हें सेंट्रल लाइसेंस की जरूरत। तो ये जो बिजनेस है ये 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गए हैं, सिंपल रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस, सेंट्रल लाइसेंस। अगर हम बात करें FSSAI लाइसेंस की तो इसका बेनिफिट क्या है दोस्तों? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि जो FSSAI लाइसेंस में रजिस्टर है, जो लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं, उनकी गुडविल बनती है। अगर आपके प्लेस पर, बिजनेस प्लेस पर FSSAI लाइसेंस की कॉपी लगी हुई है तो लोगों को ट्रस्ट है कि भैया यहाँ पर जो चीज मिलेगी वो सेफ होगी, सुरक्षित होगी और साफ सुथरी होगी। क्योंकि इस लाइसेंस को देने के बाद और देने से पहले गवर्नमेंट चेकिंग करती है कि यहाँ पर जो चीजें हैं, जो खाने पीने की चीजें हैं, उनका ध्यान किस हिसाब से रखा जाता है, किस हिसाब से वो बनाई जाती हैं वो चीजें। तो इसीलिए लोगों को ट्रस्ट होता है कि ये जो लाइसेंस है जिन बिजनेसमैन वालों के पास है जो इस चीज का खाने पीने का बिजनेस करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर जो चीजें मिलेंगी वो साफ सुथरी और स्वच्छ होंगी। जो लोग मल्टी स्टेट में बिजनेस करते हैं, एक से ज्यादा स्टेट में बिजनेस करते हैं खाने पीने की चीजों का, तो उन्हें सिर्फ एक ही लाइसेंस लेना है और वो है सेंट्रल लाइसेंस। सेंट्रल लाइसेंस लेने से क्या होगा, वो ऑल ओवर इंडिया अपना बिजनेस कर सकेंगे एक ही लाइसेंस पर। अगर हम बात करें डॉक्यूमेंटेशन की तो तीनों कैटेगरी में सिंपल रजिस्ट्रेशन हो या स्टेट लाइसेंस हो या फिर सेंट्रल लाइसेंस हो, तीनों के तीनों लाइसेंस को जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है वो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है। तो जो भी रजिस्ट्रेशन आप लोगे उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर हम बात करें इनके कंप्लाइंसेस की तो 3 तरह के कंप्लाइंसेस होते हैं इन सभी तरह के रजिस्ट्रेशन में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपोर्टर के केस में। अगर हम बात करें जिन एक्सपोर्टर्स ने FSSAI लाइसेंस लिया हुआ है तो उन्हें क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी होती है और वो भी ऑनलाइन। नंबर 2, अगर हम बात करें मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग करने वाले बिजनेसमैन की, तो ऐसे बिजनेस जो है उन्हें हाफली रिटर्न फाइल करनी होती है और ऑफलाइन फाइल करनी होती है, डिपार्टमेंट में जाकर इसकी रिटर्न की कॉपी को जमा करवाना होता है। नंबर 3, इनके अलावा जो इंपोर्टर हैं और जो मैन्युफैक्चरर हैं उन सभी को ईयरली रिटर्न फाइल करनी होती है FSSI की और वो भी ऑफलाइन डिपार्टमेंट में जाकर जमा करवानी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। दोस्तों इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो ऑनलाइन होता है और घर बैठकर आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा कि जो ऑफिसर है, जो इंस्पेक्टर है, अगर वो इंस्पेक्शन करना चाहे, चेकिंग करना चाहे तो वो कर सकता है और ना भी करना चाहे तो ना करे,
कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो 2 से 3 महीनों के अंदर आपको आपका लाइसेंस ऑनलाइन FSSAI के पोर्टल पर मिल जाता है। वहां पर आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो, वहां पर लिखा आता है सर्टिफिकेट इशूड, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने ही जो भी आपका बिजनेस प्लेस है वहां पर लेमिनेट करवाकर उस सर्टिफिकेट को लगा सकते हो। और हाँ, ध्यान से सुनिए कि अगर आपका ये जो सर्टिफिकेट है ये एक ऐसी जगह लगाइए जहां पर लोगों को दिखाई दे, इंस्पेक्शन करने को आए तो उसे दिखाई दे, क्योंकि अगर ये दिखाई देगा तभी तो लोगों को आपकी गुडविल का पता लगेगा, आप में लोगों को ट्रस्ट होगा कि आप अच्छी और बढ़िया चीजें बनाते हैं, साफ सुथरी चीजें बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने की चीजों की इंस्पेक्शन की जाती है ऑफिसर के द्वारा, फूड इंस्पेक्टर के द्वारा। तो इसीलिए इसको ऐसी जगह लगाएं जहां पर मतलब के लोगों की नजर पड़े फ्रंट में, ताकि लोग आप पर ट्रस्ट कर सके और ज्यादा से ज्यादा आपके साथ जुड़ सके। दोस्तों, FSSAI का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है इसके बारे में पूरी डिटेल में हम जानेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो आपको उसकी अपडेट नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगी, और अगर किसी कारण से वो अपडेट आपसे छूट जाए, आप ना उसे देख पाओ, तो हमारे YouTube चैनल पर एक FSSAI की एक प्लेलिस्ट है, वहां जाकर आप देख सकते हो। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत 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 पसंद आया होगा, और मुझे विश्वास है कि आपने इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दिया होगा। और जो नए दोस्त हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिया होगा। इससे होगा क्या, जब भी हमारी नई वीडियो आएगी किसी भी टॉपिक के ऊपर तो वो आपको आपके YouTube ब्राउजर में सबसे पहले देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपका अपने इस चैनल पर अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।